अंधविश्वास के चलते पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फरार हो गया। इससे पहले भी यह व्यक्ति कई बार पूजा पाठ के नाम पर अपने घर में जानवरों की बलि देता रहा है। ये मामला सिंगरौली का है। सिंगरौली जिले के कोतवाली थाने के बसौड़ा ग्राम निवासी ब्रजेश केवट ने अंधविश्वास के चक्कर में अपने पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ब्रजेश केवट ने अपनी पत्नी को बेरहमी से कई टुकड़ों में काट डाला। जिसने भी ये दृश्य देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। आरोपी बीती रात में जब वारदात कर रहा था तब उसके पुत्र बीच बचाव करने आए, लेकिन आरोपी ने अपने पुत्रों को भी धक्का देकर भगा दिया और आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। आरोपी ने तंत्र मंत्र के चक्कर में घर के अंदर ही एक चौरा बना रखा था। वह जानवरों को कई बार बलि चढ़ा चुका था, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व आरोपी ने बकरी की बलि चढ़ा रहा था, तब आरोपी का अपनी पत्नी से विवाद हुआ था। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की जैसी ही जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस अधीक्षक सहित पूरी टीम घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने बताया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज दिनांक को रात्रि करीबन 2:30 से 3 बजे के बीच की घटना है ग्राम बसौड़ा की। ब्रजेश केवट आरोपी है, जो कि रात्रि करीबन 2:30 से 3 बजे के बीच में अपनी पत्नी बिट्टी केवट को धारदार हथियार से मारपीट कर रहा था। उस समय उसके दोनों पुत्र मनोज केवट और शुभेंदु केवट जग गए थे। उनके द्वारा रोकने का भी प्रयास किया गया, लेकिन आरोपी उनकी बात को नहीं माना और उनको भी धमकाया। तब वो दोनों भाग गए और इस बीच उसने धारदार हथियार से महिला के सिर में और गर्दन में प्रहार करके उसकी हत्या कर दिया और उसको उसके शव को जहाँ वो पूजा पाठ करता था वहाँ गाड़ दिया था। प्रथम दृष्टया तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या का प्रकरण प्रकाश में आया है। पुलिस द्वारा हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर गंभीरता से अनुसंधान किया जा रहा है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।